अच्छा, अब हम देखते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट दी सेंसिटिविटी ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और पहली पहला पार्ट है सेल्स प्राइस। नाउ इसका मतलब ये होता है कि यार हमारी सेल्स प्राइस कितने परसेंटेज से चेंज हो जाए कि मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, या मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर हूँगा, ठीक है। अब इसको ज़रा समझना थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है, ट्रिकी है, लेकिन हम जो है ना वो सेंसिटिविटी एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, और मैं आप लोगों को साथ साथ समझाता भी हूँ कि सेंसिटिविटी एनालिसिस किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, सेल्स प्राइस पर सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करने का फॉर्मूला अपने पास लिख लो भाई। अगर आपने सेल्स प्राइस पर सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करना है, कोई सवाल ऐसा आता है बोलता है सेल्स प्राइस पर सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करो, तो आपका फॉर्मूला होगा इस सिनेरियो के हिसाब से, प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेवेन्यू इंटू 100%। नाउ पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना है सर? 63,000 है। सेल्स रेवेन्यू कितना है टोटल? सेल्स रेवेन्यू है 273,000 इंटू 100%। सॉल्व करो जरा, 63 डिवाइडेड बाई 273 इंटू 100 इज 23.0769, या तकरीबन 23.08%। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप सेलिंग प्राइसेस को 23.08% कम कर दोगे, अगर आप सेलिंग प्राइस को 23.08% तकरीबन जो है वो जो बन रहा है वो कम कर दोगे, इसका एग्जैक्ट जो आ रहा है वो है 23.0769%। अगर मैं चार डेसिमल प्लेसेस तक लिखूं तो ये कहता है कि अगर आप सेलिंग प्राइसेस को 23.0769% कम कर दोगे तो आपको ना प्रॉफिट होगा या ना लॉस होगा, यानी कि आप ब्रेक इवन पर होगे। सर प्रूफ करें, आप प्रूफ कर देता हूं। देखो अभी करंट सेलिंग प्राइस कितनी है? $136.5 है, एग्रीड। अगर मैं सेलिंग प्राइसेस को 23.0769% से कम करता हूं तो 136.5 माइनस 23.0769% ऑफ 135 कितना आ जाता है? सॉरी 135 नहीं, 136.5 कितना आता है भाई? 136.5 मल्टीप्लाइड बाई 23.0769%, 31.4999 कुछ बन रहा। 136.5 में से आंसर को माइनस कर देता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 105 बन रहा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइसेस को कम करता हूँ तो सेलिंग प्राइस 23.90769% से अगर कम होती है तो 105 बच जाती है। अगर मैं सेलिंग प्राइसेस कम कर दूँ, अगर मैं सेलिंग प्राइसेस कम कर दूँ तो होगा क्या? मेरा सेल्स रेवेन्यू नया वाला कितना होगा? मैं पूरे साल में 2000 यूनिट्स बेचता हूँ ना, 2000 यूनिट्स बेचता हूँ, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 105, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 105, मैं 2000 यूनिट्स बेचूंगा और एक यूनिट 105 का अगर बेचूंगा तो मेरा जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो होगा 210,000, 210,000 का सेल्स रेवेन्यू होगा, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू में से क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट। अब दो तरह की कॉस्ट थी ना, एक है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 70 है, करेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 70 है, तो 2000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 2000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट होगी 2000 इंटू 70 विच इज 140,000, ठीक है, जो यहां पर भी हमने कैलकुलेट किया था। और फिक्स कॉस्ट कितनी है कंपनी की? फिक्स कॉस्ट इन तीनों का एडिशन है विच इज 70,000। तो बताओ कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये बात प्रूफ हो गई ना। अब ये वाली वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने यहां पर कर दी ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्या मतलब है। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोल रहा है कैलकुलेट दी सेंसिटिविटी ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू चेंजेस इन सेल्स प्राइस, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि सेल्स प्राइस कितने परसेंटेज से अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पर होंगे, और उसका आंसर आ रहा है 23.08%। यानी कि अगर हमने सेलिंग प्राइसेस 23.08% से कम कर दी तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाएंगे।
इससे कंपनी को फायदा क्या होता है, कंपनी को ये फायदा होता है कि कंपनी को ये पता चल जाता है कि हमें अपनी सेलिंग प्राइसेस कभी भी 23.08% से ज्यादा कम नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेल्स प्राइस वाला पार्ट, पहला पार्ट, ठीक है ना। और उसका मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दे दिया सेलिंग प्राइस के लिए, क्या है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेवेन्यू इनटू 100%, सही है। चलो अगले पार्ट पर आते हैं, अगला पार्ट और मुश्किल है, और अलग है, और ये भी आपको सीखना पड़ेगा। अगले पार्ट पर आ जाते हैं, अगले पार्ट में क्या बोलता है, अगले पार्ट में सवाल ये कहता है कैलकुलेट दी सेंसिटिविटी ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम। अब सेल्स वॉल्यूम की बात करता है, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि जो आप यूनिट सोल्ड है ना वो कितने से, अभी तो आप 2000 यूनिट्स बेच रहे हो ना, आप कितने यूनिट सोल्ड कम हो जाएं कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पर होगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना पड़ता है, जब भी वो वॉल्यूम की बात करता है, वॉल्यूम के सेंसिटिविटी एनालिसिस में ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ रहा हूं। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे ढूंढेंगे ये देख लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे ढूंढेंगे ये देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा यहाँ पर कैसे लगेगा ये फॉर्मूला, हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 70,000 है, करेक्ट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है ये देख लेते हैं, 136.5 जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस है, 136.5 हमारी सेलिंग प्राइस है, इसमें से आप माइनस कर दो सारी वेरिएबल कॉस्ट विच इज 70, ठीक है, 136.5 माइनस 70 इज 66.5, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है 66.5 है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स किस तरह से आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 66.5, 70,000 डिवाइडेड बाय 66.5 इज 1052.6 या तकरीबन 1053 यूनिट्स क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि अगर कंपनी 1053 यूनिट्स बेचती तो कंपनी को ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, यही होता है ना ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा यहाँ पर सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे आएगा विद रिस्पेक्ट टू सेल्स वॉल्यूम, उसके लिए आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग यूनिट्स ऑफ सेल्स विच आर 2000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स विच आर 1053 डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग सेल्स के यूनिट्स विच इज 2000। अच्छा सर ये तो आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगा लिया, एग्जैक्टली मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी यही काम होता है, तो ये आ रहा है 2000 माइनस 1053 डिवाइडेड बाय 2000 इनटू 100 और ये आपका आता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 47.35%। तो सर ये 47.35% क्या बता रहा है, ये 47.35% ये बता रहा है कि अगर आप जितने यूनिट्स अभी बेच रहे हो उससे 47.35% कम यूनिट्स बेचोगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। कैसे सर, इसको भी आप प्रूफ कर दें, मैं प्रूफ कर देता हूँ। अभी आप कितने यूनिट्स बेच रहे हो, अभी मैं 2000 यूनिट्स बेच रहा हूँ, अब अगर मैं 47.35% कम यूनिट्स बेचूंगा विच इज 2000 इंटू 47.35% यूनिट्स माइनस कर दूं, 2000 का 47.35% जो है वो तकरीबन बन जाता है 947 यूनिट्स, 2000 माइनस आंसर इज 1053 यूनिट्स, तो मैं कितने यूनिट्स बेचूंगा, मैं बेचूंगा 1053 यूनिट्स। अब मैं 1053 यूनिट्स बेचूंगा ना, मैं अगर 1053 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 1053 यूनिट्स अगर मैं बेचूंगा तो मेरा जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो होगा 136.5 एक यूनिट की सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1053 विच इज तकरीबन 1035 है ना, ठीक है, ये होगा हमारा तकरीबन 1437 35, ठीक है। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, एक यूनिट की 70 है, हम तीसरी बार कैलकुलेट करें, 70 मल्टीप्लाइड बाय 1053 73710, ठीक है ना, तो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 143735 माइनस 73710 हमारे पास आ जाता है तकरीबन 70,025 और इसमें से फिर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो सर ये जीरो तो नहीं आ रहा है, ये तो 25 का प्रॉफिट आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो 1053 है इसमें राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा मसला है, या ये जो है इसमें थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का मसला है, अगर आप एग्जैक्ट करते तो यहाँ पर भी अगेन कितना प्रॉफिट आता, जीरो आता। तो सेल्स वॉल्यूम पर जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है वो हमारा 47.35% है, विच मीन्स कि हमारा जो सेल्स वॉल्यूम है
जो एग्जिस्टिंग सेल्स वॉल्यूम है जो कि 2000 यूनिट्स पर है, वो अगर 47.35% से कम हो जाए तो कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पर होगी। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट पर सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है और फिक्स कॉस्ट पर कैसे परफॉर्म करना है वो मैं परफॉर्म कर देता हूँ, लेकिन उसकी डेरिवेशन वगैरह पर नहीं जाते हैं या मैं आपको वो क्या कहते हैं प्रूव करने नहीं बैठता, बस सिर्फ सेंसिटिविटी एनालिसिस मैं करवा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए यानी कि पार्ट थ्री को करने के लिए प्रॉफिट की वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू विच इज 63,000 डिवाइडेड बाई वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू विच इज 140,000 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, तो ये आता है आपका 63,000 डिवाइडेड बाई 140,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये तकरीबन आ रहा है आपका 45%। सर ये क्या बताता है, ये आपको ये बताता है कि अगर आपकी जो करंट वेरिएबल कॉस्ट है वो 45% से इंक्रीज हो जाए तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये भी प्रूफ कर बता देता हूं। देखो अभी अभी हमारा जो सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू है वो कितना होगा, हम 2000 यूनिट बेचते हैं और एक यूनिट 136.5 का बेचते हैं, तो 136.5 मल्टीप्लाइड बाय 2000 कितना है, 273,000 है सर, 273,000 है। ठीक है, अभी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 140,000। सवाल ये कहता है कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट 45% से इंक्रीज हो जाएगी तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो मैं काम करता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट जो है ना 140,000 का पहले तो मैं ले लेता हूँ 45%, 140,000 का 45% इज 63,000 और 140,000 उसमें ऐड कर देता हूँ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो आएगी वो आएगी 203,000। ठीक है, तो हमारे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना आएगा, 70,000 और कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है 70,000, क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, यानी कि अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट कभी भी 45% से इंक्रीज हो गई और 203,000 हो गई तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ये इस सेंसिटिविटी एनालिसिस का काम है। इसी तरह से फिक्स कॉस्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट पे भी सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करना है। फिक्स कॉस्ट का सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे परफॉर्म होता है सर, अगेन ऊपर प्रॉफिट की वैल्यू विच इज 63,000 डिवाइडेड बाई नीचे फिक्स कॉस्ट की वैल्यू विच इज 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 100% कितना आएगा भाई, 63,000 डिवाइडेड बाई 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज 90%। तो सर ये क्या बता रहा है, ये अगेन आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 90% से इंक्रीज हो गई तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये अगेन आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 90% से इंक्रीज हो गई तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। सर इसको भी प्रूफ कर बताएं, चलो इसको भी प्रूफ कर बताता हूँ। इसको प्रूफ कर ऐसे बता देता हूँ कि भाई सबसे पहले हम अपना सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं, सेल्स रेवेन्यू कितना है, हम 2000 यूनिट्स बेच रहे हैं और एक यूनिट जो है वो हम 136.5 का बेचते हैं, एग्रीड, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 136.5 इज 273,000। अच्छा उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, हम 2000 यूनिट्स बेच रहे हैं और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 70, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 70, तो 2000 × 70 इज 140,000। तो अगर हम इसमें माइनस कर देते हैं 273,000 माइनस 140,000 हमारे पास बच जाता है 133,000। अभी हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, अभी हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 70,000, हमने कैलकुलेट करी है ना, अभी हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 70,000, ये सारी चीज़ों का सम, अभी हमारी फिक्स कॉस्ट है 70,000। सेंसिटिविटी एनालिसिस ये कहता है कि अगर फिक्स कॉस्ट 90% से इंक्रीज हो गई तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो हम इसको ज़रा 90% से इंक्रीज करते हैं यानी कि 70,000 प्लस 70,000 का 90% बनता है 63,000 और 70,000 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 133,000 बनेगा, 133,000 हम यहाँ से माइनस करते हैं तो हमारे पास ना प्रॉफिट है ना लॉस है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या बताता है कि भाई कौन सी चीज़ कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होंगे, ये चीज़ डिस्कस करता है। और हमने यहाँ पर सेंसिटिविटी एनालिसिस को परफॉर्म किया और ये पूरा सवाल जो है वो अब हमने सॉल्व कर लिया है। काइंडली इसको आराम से
अपने रजिस्टर्स में, नोटबुक्स में कॉपी करिएगा। आपके सामने सवाल हमेशा खुला हुआ होना चाहिए और सारी वर्किंग्स मैंने आपको समझा समझा कर इधर कर दी हैं। बहुत शुक्रिया।